ठीक है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है विक्रमादित्य सिंह को लेकर कि डिप्टी सीएम बनने के लिए जोर लगाया जा रहा है उनकी तरफ से, लेकिन डिप्टी सीएम पद उन्हें मिल जाएगा इसकी उम्मीद कम ही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं आशीष कुमार सिंह से कि ये जितनी नाराजगी, जितनी शिकायतें सुखू सरकार से कल से दिखाने का सिलसिला जारी हुआ है विक्रमादित्य सिंह प्रतिभा सिंह की तरफ से, सारी कोशिश डिप्टी सीएम पद हासिल करने की आशीष? जी हाँ बिल्कुल, फिलहाल हमें सोर्सेज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बार्गेन करने की कोशिश है, प्रेशराइज एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स आप इसको कहें, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह चाहते हैं कि इसी मौके का फ़ायदा उठा करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। कुछ सोर्सेज ऐसा भी इंडिकेट कर रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, संभव है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी उन्होंने संपर्क साध रखा हो, सब्जेक्ट टू चेक है ये बात, लेकिन ये बात सही है कि वो दबाव बना रहे हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। जैसा कि मुझे सोर्सेज इंडिकेट करते हैं, इसकी गुंजाइश फिलहाल रुमाना नहीं है। हालांकि प्रतिभा सिंह और उनके परिवार की तरफ से जब सरकार बन रही थी तब भी इस तरह का दबाव डाला गया था कि वीरभद्र सिंह की जो रियासत थी, उनका जो फेम था, उसको ऑनर किया जाना चाहिए, लेकिन तब भी कांग्रेस लीडरशिप ने यह सोचा था कि काफ़ी साल के बाद अब ये मौका संगठन के दूसरे व्यक्ति को देना चाहिए था, और इस बार भी फैसला यही है कि सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे और फिलहाल विक्रमादित्य को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला नहीं होता दिख रहा है। बिल्कुल, तो फिलहाल तस्वीर ये उभर रही है कि विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह के दबाव के आगे कांग्रेस पार्टी झुकने को तैयार नहीं है, डिप्टी सीएम पद नहीं मिलने जा रहा विक्रमादित्य सिंह को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।